आज हम हैं सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के एकदम सटे कैलाशपुरी वार्ड नंबर 9 में, और ये गली नंबर 1 है, रोड नंबर 1 है ये, और आप इसका नज़ारा देख लीजिए। बारिश हुई है और बारिश के अंदर क्या हालात है यहाँ पे, सड़क पे पानी तो है ही। साथियों, सबसे अफसोस की बात यह है कि ये वो सड़क है जो 10 साल पहले बनी थी, और 10 साल से एक साल तो ये किसी तरीके से ठीक ठाक चला, उसके बाद यहाँ ये पूरा जर्जर है। लगातार यहाँ से लोग लगातार अपने जनप्रतिनिधि को, जिला पदाधिकारी को ये शिकायत करते हैं कि इस सड़क का निर्माण होना चाहिए। लोगों को दिक्कत होती है कि यहाँ पे शिव मंदिर है और शिव मंदिर के अंदर भी जल निकासी नहीं होने की वजह से आज पानी जम गया है, और ये जो बरसात का पानी है उसमें वहाँ लोग जा नहीं सकते हैं इस टाइम पे। ये 10 साल पहले ही रोड बनी थी, सारबड़ के अंदर में रोड उखड़ गया, उस जी से ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, और पानी की जो अति है जो आप देख ही रहे हैं, यही हालत है यहाँ की। अभी जो है नई स्थिति जो रोड का है, वार्ड नंबर 9 का है, रोड नंबर 1 का कैलाशगिरी वार्ड नंबर 9, उसमें इतना दूर काफ़ी कठिनाई हम लोगों को हो रहा है वर्षा के टाइम में, बाढ़ के पानी में नहीं, लेकिन वर्षा के पानी से जल जमाव होकर के निकासी नहीं, जिसके वजह से मंदिर है बगल में उसमें भी पानी घुसा हुआ है, हम लोगों को पैदल चलने में कठिनाई हो रहा है। सीतामढ़ी के आईबी में सुशासन तैर रहा है सर्किट हाउस में, ये हालत आप खुद देखिए। यह सीतामढ़ी का अतिथि गृह है जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायक, सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि के अलावा वरीय पदाधिकारी आते हैं, ठहरते हैं, लेकिन जल निकासी के नाम पर यहां कोई व्यवस्था नहीं, और बारिश में पूरा आईबी जलमग्न है। ये है सुशासन, और ये है सुशासन की सच्चाई।